भट्ट साहब, आपसे लोगों ने कोई चीज, हमारा एक नायाब हीरा है जो छुपा के रखा है और उसको वो आपके सामने लेके नहीं आ रहे हैं। आवा कमाल करते हो यार, कहाँ है हमारा राजस्थान का शेर यार? अरे एक मिनट, अच्छा हमारा रंजीत रजवाड़ा तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर यार। सर वो एक्चुअली क्या है, वो रियाज कर रहा है आराम से बैठ के। उसने कहा पहले मैं रियाज करूंगा और फिर आऊंगा। अच्छा अच्छा, जो हमारे रियाजी है ना, जो बड़ा रियाज कर रहे थे, फाइनली अब वो आने वाले, हमारे किंग ऑफ गजल्स, क्या बोलते हैं? हाँ मतलब एक बात बताऊं, ही इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज आज भट्ट साहब बैठे हुए हैं और बस भट्ट साहब ने अपनी फिल्मों में नज्म और गजलें जो हाईलाइट करी हैं, तो आई थिंक भट्ट साहब के लिए इज गोना बी अ ट्रीट ऑन सारेगामा टू लिसन टू रंजीत रजवाड़ा। बिल्कुल, हमारे प्रिंस ऑफ गजल्स, क्या माहौल बनेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, उसके आने से पहले ना तैयारी करनी पड़ती है, तो मैं एक काम करता हूँ, वो तैयारी का सामान जरा ले आता हूँ। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, मैं ले आता हूँ। स्टेप सीख क्या है, दोनों टाइम सेम स्टेप किया है सर। और एक आज, बात और एक और बात बोलूंगा सर, आज गजल को नाचते हुए देखा कि नहीं सर? क्या बात है भाई, गजल पहली टाइम नाची है, पूरी दुनिया वाले देखो गजल नाच रही है। नहीं ये मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार मैंने ही पूछा था आपको कि आप कब तक गजल गाते रहोगे, कब तक गद्दे पे हारमोनियम के साथ में, एक तो थोड़ी सी वैरायटी दिखानी पड़ेगी। मैं देखना चाहूंगा कि आप बैंड के साथ किस तरह परफॉर्म करते हैं।
आज ये साफ हो गया है कि सारेगामा पा के सिंगर्स जो हैं पूरे सिंगर्स हैं, वर्सेटाइल सिंगर्स हैं और कमाल के सिंगर्स हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है यार, आज मैंने पहली बार इसकी टांगे देखी हैं, वरना वैसे चौकड़ी मार के पेटी के पीछे ही होता है। ये एंड वाला स्टेप एक बार बताना कैसे। अरे दिल पे गिरा रे डडा रे डडा 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 जैकी चैन भी कपड़े पहनने शुरू कर देगा। क्या कुंगफू करता है यार, सीरियसली मतलब कमाल है। भट्ट साहब सबसे पहले आप बताइए। या मुझे तो बोला गया था कि कोई गजल सिंगर आने वाला है, ये क्या आ गया? मगर एटम बम है भी, ही इज एन एटम बम। कांग्रेचुलेशंस कि आपने कुछ आज नया ट्राई किया। विदाउट द हारमोनियम एक नई स्टाइल, जैसे आप स्टेज पे आए जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस की और स्पेशली वो कुंगफू वाज वेरी कूल। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, शुक्रिया। विशाल, सारे कंटेस्टेंट से मेरी दरख्वास्त है कि ये परफॉर्मेंस को आप देख लें और जिस तरह इन्होंने स्टेज पे एक ओनरशिप कब्जा जो बोलते हैं ना, जिस तरह इन्होंने किया, अब तक के और कोई नहीं कर पाया। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके लिसनर्स हैं, करोड़ों जो आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कहीं भी सफ़र कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मुझे लोग एक बार रोकते हैं, फिर कहते हैं कि सर, तो मैं सोचता हूँ शायद मेरा फोटोग्राफ या मेरे से ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा और हम्बल होने की कोशिश करता हूँ उनके सामने। कहता जी, तो सर नहीं बोलते, रंजीत रजवाड़ा को हमारा सलाम कहिएगा। शुक्रिया सर। रब तनु बहुत लंबी उम्र, बहुत सारा सुर, बहुत सारी खुशियाँ बख्शे, रब रखा पुत्र चकते फटे आज। मेरे को एक बात बता, किन किन चीज़ों की कमी हुई तेरे इस परफॉर्मेंस में? पावर। फैंटास्टिक, बस पावर ले क्या, पावर पावर, बाकी सब चीज तेरा कंट्रोल है, डांसिंग वांसिंग सब चलती तेरी, फुल पावर, फुल ऑन एनर्जी। पुत्र वहाँ पे मथा टेक देना, ए गल बन पल्ले बन लेना दी, ऐसी पावर मिलेगी ब्लेसिंग से। पावर के साथ एक कमी और, हालांकि मैं नहीं जानता सिंगिंग के बारे में ज्यादा, पर एक कमी मुझे दिखी यहाँ पे, मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कमी पॉइंट आउट करना चाहूंगा। कमी थी हारमोनियम की, क्योंकि जब ये आता तो एक बार तो हारमोनियम आना चाहिए। मैं हारमोनियम लेके आता हूँ। ले आइए, भट्ट साहब के ऑनर में एक बार तो जरूर होना चाहिए। पेशा खिदत में गजल का मतला है, पारा पारा हुआ पैरा हनीजा, फिर मुझे छोड़ के चारा करा। गजल का मतलब है, पारा पारा हुआ पहरा हनीजा, पारा पारा हुआ पहरा हनीजा, फिर मुझे साहब। सबसे पहले भाई, ये मिरेकल का जमाना कौन कहता है कि समाप्त हो गया, ये मिरेकल नहीं तो और है क्या सामने। शुक्रिया सर। ये कभी इस नन्ही सी उम्र में इतनी शिद्दत, लफ्जों को ऐसे एक्सप्रेस करना, ऐसे पहुंचाना, ये अदा, ये खामोशी, ये ठहराव, मिरेकल है भैया। वी आर प्राउड ऑफ यू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे रंजीत, तुमसे मैं एक बात पूछनी भूल गया, तुम ये बताओ कि तुम्हें सबसे बड़ा थ्रेट कौन लगता है, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है यहाँ पे? कमल खान।
गीत ऐसी चीज है कि चाहे कोई भी हो आपकी अगर अच्छा है तो वो तारीफ जरूर होगी उसकी। एक अच्छे सिंगर में वो शुमार है। थैंक यू रंजीत, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली परफॉर्मेंस। आराम से जाके बैठ सकते हैं। मेंटोस और महेश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सारे परफॉर्मेंसेस में से किस परफॉर्मेंस में सैमसंग 3D टीवी मोमेंट था। मेरे ख्याल में सब जानते हैं कि आज की वर्डिक्ट क्या है, जिसको मैंने एक मिरेकल कह के पुकारा था। रंजीत रजवाड़ा साहब, तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया, तिरछी निगाह मेरे दिल पे की तारे ते बिछुरिया 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 हो। तो रंजीत ने दी वो परफॉर्मेंस जिसमें सुर ताल के साथ एक थर्ड डायमेंशन भी है। कांग्रेचुलेशंस रंजीत। हीरो होंडा सरगम।